को ठीक करा लिया, मतलब उसका जो मफलर था मेरे को एक्शन कैमरा वो ठीक हो सकता है। तो हेलो नमस्कार सरकार जनाब वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल शोभा शोभित। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, तो मतलब एक खुशी है चेहरे पे। उसके भी रीज़न है, बताएंगे अभी आपको कि क्या रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है लॉकडाउन 4.0 शुरू होने वाला है 18 तारीख से, तो उसके लिए देखते हैं सारे नए रूल्स आने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या रूल्स आते हैं, क्या क्या हो पाता है, किस चीज़ की छूट मिलती है, किस चीज़ की नहीं मिलती है, तो उसका तो पता चलेगा बाद में ही। सो खुशी जो चेहरे पे है इतनी, उसकी पहली वजह कि मेरा जो एक्शन कैमरा है वो ठीक हो सकता है, उसके चांसेस हैं। मैंने यहाँ पे एक बंदे से बात करी है, वो क्लॉक टावर के पास है देहरादून में ही, घंटाघर जो है देहरादून का वहाँ पे पास है, तो मैं फ्राइडे को शायद से वहाँ जाऊँगा, तो पता चल जाएगा फ्राइडे को कि ठीक होगा कि नहीं होगा। और सेकंड है कि मैंने जो अपनी बाइक का साइलेंसर था उसका एग्जॉस्ट नोट ठीक करा लिया, मतलब उसका जो मफलर था मेरे को रिमूव कराना था वो मैंने कर दिया है, तो उसके भी आपको आवाज़ सुनाऊंगा आफ्टर और बिफ़ोर, उसका लगाने के पहले क्या आवाज़ थी और लगाने के बाद निकालने के बाद क्या आवाज़ है, तो वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। तो पहले तो आप बाइक की नॉर्मल साउंड सुनिए कि विद मफलर उसकी कैसी साउंड है, सुनिए। तो जैसे कि आपने सुन लिया उसकी आवाज़ कैसी है विद मफलर के साथ, तो अब उसके मैं सुनाता हूँ आपको विदाउट मफलर के साथ कि कैसे साउंड करता है। तो नीचे बाइक खड़ी है, चलते हैं बाइक के पास और मैं मफलर की हालत दिखाता हूँ कि कैसी हो चुकी है कटने के बाद उसको, तो वो तो मेरे को शायद से रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। और बाइक की कौन सेट भी मैं ख़रीदने वाला हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट डेज शॉप्स खुलती है, तो इधर उधर भी जाना था, थोड़ा बहुत काम था वो भी करवा दिया, तो बाइक की बैटरी अब ढंग से चार्ज हो चुकी है क्योंकि चल चुकी हो 20-30 किलोमीटर, तो उसकी बैटरी भी अच्छे से चार्ज हो गई है। तो चलो चलते हैं बाइक के पास, फिर आपको बाइक की साउंड सुनाते हैं विदाउट मफलर के साथ। चलो सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना बड़ा ये मफलर रिमूव करने के बाद कितना बड़ा होल हो चुका है। तो इसका नट देखिए, ये मतलब ये इसी के अंदर जंग गर्म हो के जंग जम चुका है या गल चुका है, जो भी कह सकते हैं, बट अब इसको मेरे को शायद से नया ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलो अब इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको, मैंने माइक सेटअप कर दिया है यहाँ पे, आवाज़ सुनाते हैं और आप भी सुनिए। तो जैसा कि आपने दोनों आवाज़ सुन ली है, तो ईयरफोन में सुनोगे हेडफोन्स में सुनोगे तो ज़्यादा बेटर आपको आवाज़ का डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों आवाज़ में, दोनों के साउंड्स में। और बाकी कौन सेट मैं देखता हूँ, कब लेके आता हूँ, कब ख़रीद के लेके आता हूँ, और बताना कि मैं अपनी स्कूटी में व्लॉग आपके लिए करूँ कि ना करूँ, बताना नीचे कमेंट करके। मैंने जब से आऊँ उसको मैंने एक दो बार ही चलाई, आई थिंक उसके बाद मैंने चलाई नहीं, उसकी भी बैटरी नहीं चेंज करानी, तो उसमें बताना मेरे को मैं व्लॉग करूँ ना करूँ स्कूटी में आपके लिए, तो कमेंट करके बताना नीचे। और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक्शन कैमरा मेरा ठीक हो जाए, मैं तो यही चांस करता हूँ, होप करते हैं। बस कमेंट करना, दुआ करना कि एक्शन कैमरा ठीक हो जाए, तो आपके लिए ऐसी मोटो व्लॉग्स आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। फिर सो बस आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वीडियो पर और लाइक करना वीडियो को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। राइट से दर से ऑल इज एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट ट्रबल माता पिता भारत माता। फोर थाउजेंड सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अगर कर दोगे तो अच्छी बात है, क्या बोल सकते हैं, बहुत खुशी होगी।
4K हिट करने वाले हैं, मतलब भाई साहब नेक्स्ट माइलस्टोन की पहले से सोच लिया।